सेंटर ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ ॲडव्हान्स्ड कम्प्युटिंगतर्फे नव्याने उदयास येत असलेल्या ॲडव्हान्स्ड कम्प्युटिंग या विषयावर 2 दिवसीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. एक्सेल संगणक तंत्रज्ञान, मायक्रो प्रोसेस्ड तसेच क्वांटम संगणक तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तसेच भाषाधारित संगणक तंत्रज्ञान, IoE आणि खात्रीशीर तसेच सुरक्षित संगणक तंत्रज्ञान आणि नेक्स्ट जनरेशन कम्प्युटिंग यासारख्या विषयांवर या बैठकीत भर दिला जाणार आहे. प्रगत संगणक तंत्रज्ञानावर भर देणारी सिडॅक विविध क्षेत्रांसाठी खात्रीशीर आणि सुरक्षित असे एक्सास्केल संगणक तंत्रज्ञान प्रत्यक्ष आणण्यास सज्ज आहे. आपला देश डिजिटल क्रांतीच्या एक महत्वाच्या टप्प्यावर आला असताना सिडॅक प्रगत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मानवी जीवनात महत्वाचे बदल घडवून आणणाऱ्या संशोधनाच्या सद्यस्थितीच्या पुढे जाऊन भविष्याच्या दृष्टीने उपयुक्त तंत्रज्ञान विषयक क्षेत्रात संशोधन करेल असा विश्वास यावेळी महासंचालक डॉक्टर हेमंत दरबारी यांनी व्यक्त केला आहे. सिडॅक के 32वे फाउंडेशन डे पे हम लोग एक दो दिन का टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव कर रहे हैं जो कि 4 और 5 अप्रैल को अपने सिडॅक इनोवेशन पार्क में होगा. इसके अंदर हम लोगों ने 4-5 मेजर एरियाज हैं जिसके ऊपर की डेमोंस्ट्रेशन भी रखा है और बहुत सारी टॉक्स रखी हैं. इसके अंदर की पहला है एक्सेस स्केल कंप्यूटिंग, दूसरा है क्वांटम कंप्यूटिंग, तीसरा है AI एंड लैंग्वेज कंप्यूटिंग, चौथा नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग, उसके बाद हमारा जो साइबर सिक्योरिटी. इन एरियाज़ में हम लोगों के बहुत सारे टॉक्स हैं, बहुत सारे रिनाउंड लोग जो हैं वो इसमें टॉक दे रहे हैं और एग्जीबिशन जो है उसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग दिखा रहे हैं. हाँ, ये सभी के लिए है, कोई रिसर्चर, स्टूडेंट, कोई भी इंडस्ट्री के लोग वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और इसके अंदर जो हमारे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, वहाँ से लोग आ रहे हैं, नीति आयोग से हैं, वहाँ से आ रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन है, स्टार्टअप्स के हैं, और इससे सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे इसके अंदर आएंगे. और हम ये कहना चाहेंगे कि लोगों को जिसको भी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो और आगे क्या होने वाला है या होने जा रहा है वो अगर देखना हो तो उसके लिए वो यहाँ आए तो एक ही जगह पे सारी टेक्नोलॉजीज़ का डेमोंस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं. हाँ, कुछ साल पहले हम लोगों ने एक बार टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव पुणे यूनिवर्सिटी में भी किया था, लेकिन ये अभी हमारी अपनी बिल्डिंग है तो अब जगह भी है तो वहाँ पर हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है.